नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही की दौड़ 20 अगस्त से। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जांच 20 अगस्त से होगी। 7 केंद्रों पर 5,13,832 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जांच की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रों में हर दिन 6,000 अभ्यर्थी की जाँच के लिए रोल नंबर जारी कर दिया है। हालांकि दक्षता परीक्षा के लिए तिथिवार कार्यक्रम और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि आयोग जल्द ही जारी करेगा। बता दें, जेएसएससी ने स्मार्ट सिटी क्षेत्र धुरुआ रांची, झारखंड जगुआर टेंडर ग्राम रातू, पुलिस केंद्र गिरिडीह, चियाकी हवाई अड्डा मेदिनीनगर पलामू, जेएपीटीसी पद्मा हजारीबाग, सीटीसी सुहासपुर मूसाबनी पूर्वी सिंहभूम और झारखंड सहायक पुलिस 9 कैंप साहेबगंज को केंद्र बनाया है। सभी केंद्रों में 13-13 दिनों तक शारीरिक दक्षता की जांच होगी और हर केंद्र में 73,405 अभ्यर्थियों की जांच होनी है। पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं बढ़ेगा मानदेय। झारखंड के पारा शिक्षकों सहायक अध्यापकों को वेतनमान नहीं मिलेगा। अब फिर से वेतनमान के समतुल्य उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। इस पर औपचारिक सहमति शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम विधायकों और पारा शिक्षकों प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता में बनी है। अब 12 अगस्त को फिर इस पर बैठक होगी और अंतिम रूप से राशि तय की जाएगी। वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा राज्य कमेटी और विधायकों के बीच बैठक हुई है। बैठक में वेतनमान पर सरकार की ओर से बजट नहीं होने की बात कही गई। इसके बदले में मानदेय बढ़ोतरी करने पर सहमति बनी है। वहीं यह भी तय हो गया है कि ईपीएफ की सुविधा अभी पारा शिक्षकों को नहीं मिल सकेगी। मानदेय बढ़ोतरी को लेकर शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मसले पर बात करेगा, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मैया योजना के लिए अब 15 अगस्त तक लगेगा कैंप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत पर सोमवार को एक्स हैंडल पर पोस्ट कर राज्य की बहनों को बहुत बहुत बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि योजना का लाभ लेने में बहनों को आ रही शुरुआती परेशानी के बारे में उन्हें जानकारी मिली है। योजना का आसानी से लाभ लेने के लिए 10 अगस्त तक कैंप लगेगा, जो कि अब 15 अगस्त तक लगेगा। उन्होंने कहा है कि योजना को लेकर आ रही तकनीकी समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए उन्होंने निर्देश दे दिया है। इस मामले को लेकर वरीय पदाधिकारियों की भी बैठक हुई है। योजना को लेकर दिख रहे उत्साह को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पूरे राज्य में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य की सभी महिलाओं को बताया है कि यह हमेशा चलने वाली योजना है। विशेष कैंप के आयोजन के बाद भी जरूरतमंद बहनें कभी भी अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर इस योजना का लाभ ले सकेंगी। झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार 30 अगस्त से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव ने विभागीय सचिव के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा की है। 30 अगस्त से 15 सितंबर तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का चौथा चरण चलेगा। मुख्य सचिव एल खियागते ने इससे पहले के कार्यक्रमों के लंबित आवेदनों पर खेद प्रकट करते हुए 30 अगस्त तक निष्पादित करने का निर्देश दे दिया है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, देवघर, धनबाद, पलामू, दुमका, गिरिडीह जिला में 20,000 से अधिक और पलामू, गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, गिरिडीह में लगभग 30% या उससे अधिक आवेदन लंबित हैं। उन्होंने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की पुष्टि करते हुए लाभुकों को संबंधित पोर्टल पर अविलंब निबंधित कराने का भी निर्देश दे दिया है। झारखंड में आज कल भारी बारिश के आसार। राजधानी सहित सिंहभूम और संताल परगना में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसको लेकर मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्र के द्वारा येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत 6 अगस्त को राज्य के किसी किसी इलाकों में वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना है। वहीं 7 अगस्त को राज्य के दक्षिणी भाग के अलावा उत्तर पश्चिमी भाग के पलामू गढ़वा सहित मध्य भाग के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक रांची में सामान्य बादल छाए रहेंगे। वहीं रांची में सामान्यतः बादल छाए रहने से 2 दिन हल्के बारिश की उम्मीद है। स्कूलों और मंदिरों के पास शराब बिक्री न हो। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के एसएसपी को शहर में स्कूल और मंदिर के निकट किसी भी हाल में शराब की बिक्री नहीं होने देने का निर्देश दिया है। इन स्थानों के निकट बार खोला जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
सोमवार को नशे के कारोबार मामले में स्वतः संज्ञान लिए। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह बात कही है। सुनवाई के दौरान डीजीपी और एसएसपी अदालत में हाजिर हुए थे। अदालत ने कहा है कि उत्पाद विभाग के साथ साथ पुलिस की भी यही जिम्मेदारी है कि रांची शहर में अवैध ढंग से शराब की बिक्री न हो। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि रांची की तुलना मुंबई व गोवा से नहीं की जा सकती, यहाँ के बार एवं रेस्टोरेंट को नियंत्रित करना होगा ताकि सामाजिक दायित्व का समुचित निर्वहन हो सके। देर रात तक बार एवं रेस्टोरेंट खुला रहने से अप्रिय घटना होने की आशंका ज्यादा रहती है। पुलिस की पीसीआर वैन रात में शराबियों एवं आपराधिक तत्वों पर नजर रखे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उम्र कैद काट रहे 39 कैदी रिहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 31वीं बैठक संपन्न हुई है। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 74 कैदियों की रिहाई से संबंधित समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 74 कैदियों के कारामुक्ति के लिए अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श और समीक्षा के बाद 39 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे दी है। समीक्षा के क्रम में न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारी के मंतव्य पर बिंदुवार विचार विमर्श करने के पश्चात 39 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है। अस्पतालों में डॉक्टरों कर्मियों की उपस्थिति की निगरानी जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के स्वास्थ्य उप केंद्र से लेकर जिलों में संचालित अस्पतालों में जो मानव संसाधन उपलब्ध है उसकी 100% उपयोगिता सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने अस्पतालों की जरूरत के हिसाब से मानव संसाधन उपलब्ध कराने का निर्देश भी दे दिया है। साथ ही कहा है कि अगर किसी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों की सेवा लेने की जरूरत हो तो उस दिशा में भी उचित कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन इससे इस बात का ध्यान रखें कि जिस अस्पताल से चिकित्सकों की सेवा दूसरे अस्पताल में ली जा रही है वहां की चिकित्सीय व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आदिवासियों को अबुआ के नाम पर ठग रही सरकार। भाजपा नेता सीता सोरेन ने सोमवार को राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। धनबाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अबुआ अबुआ बोलकर राज्य सरकार आदिवासियों को ठग रही है। राज्य सरकार आदिवासियों की जमीन लूटने वाली है, घुसपैठ चरम पर है जिसका संताल में सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है। आदिवासी बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे लोग आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर रहे हैं और आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं। सीता ने कहा है कि आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है, एक समुदाय विशेष इसका बड़ा कारण है। सब कुछ साइलेंट वे में हो रहा है, घुसपैठ भी साइलेंट वे में हो रहा है। पुलिस व प्रशासन चुप है और राज्य सरकार का क्या कहना, सरकार को पूरी तरह साइलेंट है। घुसपैठ को राज्य सरकार केंद्र की समस्या बता रही है, केंद्र ही सब कुछ देखेगा तो फिर राज्य क्या करेगा। सीएम से मिला केंद्रीय सरना समिति का प्रतिनिधिमंडल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को झारखंड मंत्रालय में केंद्रीय सरना समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और ज्ञापन सौंपा। सीएम को अवगत कराया है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर रांची के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय सामाजिक तथा धार्मिक संगठन की ओर से आयोजन होगा। कार्यक्रम के दौरान मूलभूत सुविधा मुहैया कराने और अल्बर्ट एका चौक पर मंच निर्माण कराए जाने का आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री ने सहयोग का भरोसा दिया है। समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, प्रकाश हंस, गैना कक्षप, मुन्ना उराव, कैलाश तिर्की थे। डाल्टनगंज स्टेशन का नाम मेदिनीनगर करने पर सहमति। झारखंड के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन करने का एक पड़ाव पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सूचना भी जारी कर दी गई है। अब इस प्रस्ताव को आगे की कार्यवाही के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि रेलवे प्रशासन समेत केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों में पलामू जिला मुख्यालय सिटी का नाम डाल्टनगंज ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ के रेलवे स्टेशन को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया है। करीब 2 दशक पहले झारखंड सरकार ने डाल्टनगंज का नाम परिवर्तित करते हुए मेदिनीनगर कर दिया है। इस कारण सरकार के सभी कार्यालयों, जिला मुख्यालय मेदिनीनगर ही नाम लिखा जाता है। एमएससीपी को लेकर प्राइमरी टीचरों का आमरण अनशन शुरू। एमएससीपी की मांग को लेकर प्राथमिक शिक्षकों का राजभवन के समक्ष आमरण अनशन सोमवार को शुरू हो गया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले इस अनशन के दूसरे शिक्षक संघों का भी साथ मिला है।
राज्य कर्मियों की तरह शिक्षकों को भी एमएससीपी लाभ देने की मांगों के समर्थन में सभी प्राथमिक शिक्षक संघ, झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ, झारखंड प्रदेश संयुक्त मोर्चा, एमएससीपी संघ मोर्चा से जुड़े शिक्षक भी पहले दिन अनशन पर बैठक की है। वहीं अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव राममूर्ति ठाकुर व मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद आदि ने अनशन स्थल पर हुई सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार आंदोलन में आर पार की लड़ाई लड़ने को शिक्षक तैयार हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष मेहमान बनेंगे झारखंड के दो किसान। हर साल देश के प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराते हैं। इस कार्यक्रम में देश ही नहीं बल्कि विदेश के कई मेहमान भी शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। इस समारोह में कई देशों के राष्ट्रपति पीएम को मुख्य मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। इसको लेकर इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में झारखंड के घोर नक्सल प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम जिले से दो किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष अतिथि बनने वाले हैं। इनमें आकांक्षी प्रखंड के रूप में चिन्हित गुदड़ी के दुशासन सिंह और टोटो के मोहन सिंह बारी का नाम शामिल है। इन दोनों को दिल्ली के लाल किले से शुरू होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में चुना गया है। दोनों किसानों के परिवार व गाँव वाले इसे विशेष उपलब्धि बता रहे हैं और सभी काफी खुश भी हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आ रही तकनीकी समस्या। मुख्यमंत्री झारखंड सरकार की ओर से महिलाओं के लिए शुरू की गई झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लगातार तकनीकी दिक्कतें आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस तकनीकी समस्या को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दे दिया है। साथ ही कहा है कि महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए विशेष कैंप अब 15 अगस्त तक लगाए जाएंगे। पहले कैंप 10 अगस्त तक ही लगना था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी है। अपने इस पोस्ट में उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत पर प्रदेश की महिलाओं को बधाई भी दी है। सीएम ने कहा है कि योजना का लाभ लेने में बहनों को आ रही शुरुआती परेशानी के बारे में जानकारी मिली है। तकनीकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। देवघर से 15 मोबाइल के साथ 9 बच्चे व किशोर पकड़े गए। भीड़ में कांवड़ियों की मोबाइल और पर्स चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। इस दौरान कांवड़ियों ने 15 मोबाइल के साथ 9 बच्चों और किशोरों को पकड़ा है और नगर थाने को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। जिन कंवरियों ने अपनी मोबाइल पहचान ली है उन्हें पुलिस ने जिमनामा पर मोबाइल वापस कर दिया है। तीसरी सोमवार को 50 से अधिक कंवरियों ने मोबाइल और पर्स गायब होने की शिकायत दर्ज कराई है। मौके पर मौजूद पुलिस ने उनसे मोबाइल मिसिंग का फॉर्म भरवाया है। वहीं गोड्डा के चुनमारा निवासी कंवरिया सुमित कुमार ने फोन संतराकुज मुंबई निवासी मोहिनी सिंह के 65,000 रुपये व यूपी के जौनपुर निवासी कंवरियों के फोन चोरी हो गए। वहीं नेपाल निवासी कंवरिया सुरेश कुमार यादव का 10,000 नेपाली करेंसी भरे बटुए भी चोरी हुए हैं। तीसरी सोमवारी पर 3,18,000 कंवरियों ने चढ़ाया जल। श्रावणी मेले के तीसरे सोमवारी पर बाबा नगरी में भोलेनाथ के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना काल के बाद श्रावणी मेले में कांवरियों को हजूम से पूरा देवघर शिवमय हो चुका है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार तीसरी सोमवारी को 3,18,873 कंवरियों ने बाबा पर जलाभिषेक किया है। इनमें मुख्य अर्घा से 2,16,108 और बाह्य अर्घा से 1,02,765 श्रद्धालुओं ने जल अर्पित कर बाबा से मनोकामना मांगी है। बाबा और मां पार्वती मंदिर में जलार्पण के बाद कंवरियों ने मंदिर प्रांगण में आरती की। रविवार को दोपहर से ही कंवरिया पथ पर जलार्पण के लिए भक्तों का रेला देखकर ही सोमवार से दृश्य का अंदाजा लग रहा था। बता दें रविवार को मंदिर का पट बंद होने तक देर रात 2 बजे तक कंवरियों की कतार बाबा मंदिर से 15 किलोमीटर दूर सिंहवा तक पहुंच चुकी थी। धन्यवाद।